साहब आप आ गए। अरे राजू घबरा क्यों रहा है? नहीं नहीं साहब, ऐसी तो कोई बात नहीं है। इतना जल्दी में भी किस लिए है? साहब मैं वो ये कचरा फेंकने जा रहा हूँ। अरे कोई नहीं, आज तेरे को एक खुशखबरी सुनाता हूँ, चल मेरे साथ। यही बता दीजिए ना साहब। अरे डाल दिए ना यार, तू भी है ना हरदम जल्दी में रहता है। मालिक मालिक बताइए ना क्या बात है। अरे बता दूंगा तेरे को, है ना हमेशा बहुत जल्दी रहती है, तेरी मालकिन को तो आने दे। अरे पुष्पा हेलो, बोलो क्या कह रहे थे? पता नहीं मालिक क्या कह रहे हैं। अपने बर्थडे पे अब की बार 3 गुना प्रॉफिट हुआ है। सच? हाँ, और मैंने बस एक बात सोची है, अगर तुम कहो तो बताऊं। जल्दी बताओ ना, नेकी और पूछ। जो अपना ये राजू नौकर है ना यार, इसकी पिछले 7 साल से हम सैलरी नहीं बढ़ा पाए, और मैं सोच रहा हूँ इसकी 7,000 से पूरी 10,000 सैलरी कर दूँ। राजू, अरे ये तो बहुत अच्छी बात है मालिक। यार तू घबरा रहा है, मैंने सैलरी बढ़ा दी तेरी? नहीं मैं बहुत खुश हूँ मालिक, मालकिन कितने अच्छे हैं मालिक। अरे राजू तू इतना घबराया हुआ क्यों है, और तेरे माथे में पसीना, क्या बात है? अरे नहीं मेम साहब, मैं क्यों घबराऊंगा, किसी की तनख्वाह बढ़ती है तो वो तो खुश होगा ना, है ना मालिक? एक बात बता राजू, मैं भी देख रहा हूँ तेरे को गेट से लेकर यहाँ तक, तेरे चेहरे पे कुछ ना कुछ डर भय तो है, जैसे एक चोर होता है ना, वो फीलिंग मैं तेरी देख रहा हूँ। क्या बात है मालिक? सच सच बता, घबराने की जरूरत नहीं है, बता क्या बात है। मालिक आप बहुत अच्छे इंसान हैं जो मेरे बारे में इतना भला सोचते हैं। अरे अगर 10,000 तनख्वाह कम है ना तो मैं और बढ़ा दूंगा, अगर कोई घर में कोई दिक्कत है ज़्यादा तो और भी पैसे दे देंगे, तुम्हारे मालकिन बहुत अच्छी है। नहीं मालिक वो बात नहीं है, मैं दरअसल कई दिन से एक बात अंदर ही अंदर मुझे खाई जा रही है मालिक। क्या बात खाई जा रही है, बता तो सही। मालकिन मैं चोर हूँ मालकिन। क्या चोर? चोर? आप पूछती थी ना इतना जल्दी सारा राशन कैसे खत्म हो जाता है, मैम साहब वो मैं चोरी करके ले जाता था, मुझे माफ कर दीजिए मैम साहब। अच्छा तभी मैं कहूँ कि हमारा 1 महीने का राशन 15 दिन में कैसे खत्म हो जाता है, तो नवाब साहब चोरी करते हैं हमारे घर में। अच्छा एक बात तो बता तू कि हमारे घर होते हुए तू इतनी सफाई से चोरी कर कैसे लेता था, और हमें कानो कान खबर भी नहीं होती थी। जब मैं कचरा फेंकने जाया करता था तो मैं वो कचरा नहीं बल्कि कचरे वाले थैले में मैं राशन का सामान लेके जाता था मालकिन। ये कचरे वाली थैली तेरी यही है ना? जी मालिक। एक बात बता रहा तू, मुझे गुस्सा भी उठ रहा है और हंसी भी आ रही है तेरे ऊपर। आज तक 15 साल हो गए, तूने किसी चीज की जरूरत पड़ी तो तेरी मालकिन ने मैंने हमेशा तेरा साथ दिया, लेकिन ये सामान तू चोरी करके ले जा रहा है, ये हमारे से मांग भी तो सकता था, तेरे को शर्म नहीं आई, हम तुझे मना करते क्या? लेकिन मुझे गुस्सा इस चीज़ का है कि तूने यहाँ का नमक खा के और यहीं पे चोरी की, क्यों? मालिक मुझे माफ़ कर दीजिए, लेकिन मालिक मैं जहाँ रहता हूँ ना उसी बस्ती में मेरा एक पड़ोसी भी रहता था, और एक्सीडेंट में वो गुजर गया, उसके 2 बच्चे हैं मालिक, दोनों बच्चों के सिर से माँ बाप का साया उठ गया, और मैं ये सोचता था कि कैसे कौन उनका पालन पोषण करेगा, तब मैंने उनके पालन पोषण की जिम्मेदारी उठाई, लेकिन मैं ठहरा गरीब आदमी, मैं कहाँ से इतना खर्चा कर पाता मालिक। फिर मुझे पता था कि आप दोनों तो अच्छे घर से हैं, खूब पैसे वाले हैं, अगर थोड़ी थोड़ी चोरी में अगर यहाँ से करता रहूँगा आपको पता भी नहीं चलेगा, और मैं बच्चों को पालता भी रहूँगा, क्योंकि मैंने उनकी जिम्मेदारी उठा ली थी मालिक, ये मेरी गलती हो गई मुझसे मालिक, मुझे माफ़ कर दीजिए। राजू मुझे खुशी हुई बेसहाय की मदद कर रहा है, लेकिन दुख इस चीज़ का है कि तू चोरी करके पाप का भागीदार भी बन रहा है, भले के साथ साथ तू बुराई भी ले रहा है। हम कुछ नहीं है, कम से कम ऊपर वाले की तरफ तो देख, उसकी नज़रों में तो चोर है ना तू, है? बिल्कुल मालिक, मुझसे भूल हो गई मालिक, मुझे माफ़ कर दीजिए मालिक। राजू
तू क्या सोचता है, तू इस घर से जो चोरी कर रहा था उसके बारे में हमें पता ही नहीं था। आप जानते थे मालकिन, मालकिन मुझे माफ कर दीजिए। तुम्हारी मालकिन बिल्कुल ठीक कह रही है, हमें पहले से ही पता था कि तू चोर है, चोरी कर रहा है, लेकिन ये सब कुछ हम तुम्हारे मुंह से सुनना चाहते थे कि ऐसा क्यों कर रहा है। और रही बात प्रॉफिट वाली, प्रॉफिट वाली बात भी मैंने झूठी बताई थी, क्योंकि तुम्हारी मालकिन का और मेरा प्लान था ये। तुझे वो दिन याद है जिस दिन तुझे बेटी ने रोका था? एक मिनट रुक, मैं तुझे ना बैकल करती हूँ। राजू इधर आ। अरे अरे बिटिया, आ बिटिया। कहाँ जा रहे थे आप? मैं बिटिया वो कचरा डालने के लिए जा रहा था। कचरा वाला तो सुबह आता है ना, अभी कौन सा कचरा वाला आएगा? नहीं वो दो दिन से आया नहीं ना, तो मैं इसीलिए कचरा जो भी खाली बोतल वगैरह वो लेकर के वो डालने जा रहा था मैं बिटिया। क्या हुआ, कुछ काम था? दिखा नहीं मतलब मुझे। अरे क्या हुआ? दिखा इधर। अरे बिटिया ये कचरे कचरे है कि? अरे बिटिया ये मेम साहब ने मुझे दिया है। झूठ बोल रहे हो, सच सच बताना, मम्मी ने दिया है या तुमने चोरी की है? नहीं चोरी नहीं किया, ये मालकिन ने मुझे दिया है, मना किया था किसी को बताने के लिए। अच्छा पर मैं पूछ सकती हूँ कि तुम ये किसके लिए लेके जा रहे हो? मैम ये मैं अपने घर के लिए लेके जा रहा हूँ, मेरे घर में राशन थोड़ा कम पड़ गया था इसीलिए, और मालकिन ने मुझे दिया है ये, सच में मैं झूठ नहीं बोलता, मैं कसम से मालकिन ने दिया, और उन्होंने ये भी कहा था किसी को बताना मत, तो आप भी उनके सामने इस बात का जिक्र मत करना बिटिया, वरना उनको बुरा लगेगा। ठीक है जाओ। अच्छा बिटिया। राजू आज भी इस दुनिया में इतने ईमानदार लोग हैं, मुझे तो यकीन ही नहीं हो रहा। और राजू दिल करता है तुझे सीने से लगा लूं। तुम्हारे जैसे ईमानदार लोग अब कहाँ है रे इस दुनिया में, लेकिन तुम्हारी एक छोटी सी गलती, तुमने मदद की चोरी करके ना, अगर किसी की मदद भी करोगे ना तो पैसे से खरीद के और तब मदद करो। ठीक है मालिक। ये लो, आगे से किसी भी चीज़ की ज़रूरत हो तुम अपनी मालकिन को बोलना या मुझे, हम बिल्कुल तुम्हारे साथ हैं, तुम हमारे से अलग नहीं हो। धन्यवाद मालिक।